हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इट्स मी द एलीट बैंकर एंड माय नेम इज यश वर्मा। तो फिर आज की वीडियो में मैं दो चीज़ बताऊंगा। पहली अपनी एक स्टोरी बताने वाला हूँ। आई इंसिस्ट यू कि यार सुन यार, 2 मिनट की स्टोरी है, स्किप ना करना। एंड फिर मैं उसके बाद आपको इंटरव्यू प्रोसेस बताऊंगा, स्किप ना करना यार, दिस विल मोटिवेट यू पक्का। तो मैं बता रहा हूँ, जब मेरे कजन ने मुझे बताया था कि आप मतलब मैं कि यश तुम एक काम करो, तुम भी फॉर्म भर सकते हो, तुम कोचिंग कर लो और तुम पढ़ लो, तो मैंने मॉक दिया एक। तो मॉक में मेरे काफ़ी कम मार्क्स आए, तो फिर मैं डे टू ही गया कोचिंग सीधा। तो मैंने उनसे बोला कि ऐसा है कि मुझे कोचिंग करनी है। तो उन्होंने बोला 3 साल के आपके 15,000, महिंद्रा गया था मैं, तो उन्होंने 3 साल के आपके 15,000 पड़े। मैंने बोला 3 साल का मैं क्या करूँगा, मुझे 1 साल में निकालना है, 3 साल में मैं क्या करूँगा। तो उन्होंने सर 1 साल का आपका 11,000 रुपया। आई वॉज ओके विद इट, ठीक है दे देंगे। फिर मैंने बोला ठीक है मैं आज ट्रायल ले लूँ, एंड दे डिनाइड। उन्होंने बोला नहीं आप ट्रायल नहीं ले सकते हैं, ट्रायल के लिए आपको 100 रुपये देने पड़ेंगे। एंड आई वॉज लाइक यार आप ट्रायल का सोल मीनिंग खत्म कर रहे हो 100 रुपये लेके, ये क्या बात होती है। तो वो बोले कि अंदर जाके आप बात कर लो, हमें नहीं पता। तो मैं कुछ नहीं बोला, मैं बोला ठीक है। मुझे गुस्सा आया, मैं घर आ गया, मैंने छोड़ा कोचिंग वगैरह, मैंने खुद सेल्फ स्टडी की, मैंने प्री और मेंस का आपको बताया अपनी वीडियोस में इससे पहले जो अपलोड किए। तो उसके बाद मैंने सब किया, मैंने फिर पढ़ के एग्ज़ाम निकला। तो जब मेरा मेंस निकला तो इंटरव्यू के लिए अब महिंद्रा से मेरे पास एक टेक्स्ट आया कि फॉर एवरीवन हु क्लियर द मेंस एग्जामिनेशन वी आर ऑफरिंग फ्री मॉक इंटरव्यूज़। तो मैंने वो फॉर्म भरा, तो फिर मेरे को महिंद्रा की तरफ से कॉल आया, वो मेरे जो घर से थोड़ी दूरी पर ब्रांच है वहीं से कॉल आया कि सर आप हमारी कोचिंग पर आ सकते हैं, 4 मॉक इंटरव्यू हमने आपके लिए अरेंज किए हैं, आप आइए एंड जो हमारे IBPS के रिटायर्ड पैनल मेंबर्स हैं वो आपका इंटरव्यू लेंगे। एंड आप देख रहे हैं, मैं वही कोचिंग ने मुझसे बोला था कि नहीं आप 100 रुपये दो तभी आपको ट्रायल करने देंगे, और अब वही कोचिंग सेम कोचिंग मुझे बुला रही है कि आइए आप हमारे इंटरव्यू के मॉक्स दे दीजिए। ठीक है मैं गया, मैं दिया, अभी इंटरव्यू का बताऊंगा कि वहाँ पे क्या हुआ। इनफैक्ट बहुत हेल्प हुई मेरी कोचिंग से इंटरव्यू में, बाकी मुझे बाकी नहीं पता, इंटरव्यू में तो बहुत हेल्प हुई। तो फिर उसके बाद ये हुआ कि अब इनफैक्ट अब ये मोमेंट है, मैं उस कोचिंग में 4 बार जाके स्पीच दे चुका हूँ क्लासेस में, उनने मुझे ट्रॉफी दी, सर्टिफिकेट दिया एंड गिफ्ट्स दिए वगैरह वगैरह। एंड ये वही कोचिंग है जहाँ पे मैं मुझे मना कर दिया था कि नहीं मैं आपको ट्रायल नहीं दूंगी, 100 रुपये देने पड़ेंगे, और आज वही कोचिंग में जाके मैं स्पीच दे रहा हूँ, मैं लोगों को गाइड कर रहा हूँ। इनफैक्ट मेरे कमेंट सेक्शन में कुछ बच्चे थे महिंद्रा के जो बोले थे सर आप आए थे गाइडेंस देने, सर हमने सर आप आए थे कोचिंग वगैरह वगैरह। तो आप देख रहे हैं जिस कोचिंग ने मुझे मना किया कि सॉरी नहीं दे सकते हम आपको ट्रायल, और वही कोचिंग मुझे बुला के अपने पास अपने बच्चों को गाइडेंस करवा रही है कि देखिए इन्होंने करा आप भी कर लेंगे। तो गाइज इट्स ऑल अबाउट फाइनल रिजल्ट, कोई आपकी मेहनत नहीं देख रहा, बस आपके पेरेंट्स देख रहे हैं, आपके जो क्लोज भाई बहन हैं और दोस्त हैं क्लोज फ्रेंड्स वही देख रहे हैं, बाकी दूसरे ना सबको बस ये लगता है कि अगर ये कर लिया तो उसने बहुत मेहनत की, अगर वो नहीं कर पा रहे इस फीलिंग बार बार तो भाई वो कुछ नहीं कर रहा है, पागल है वगैरह वगैरह। तो सबको बस फाइनल रिजल्ट देते हैं, मेहनत किसी को नहीं दिखती। तो गाइज मेहनत करो, बहुत लोग डिमोटिवेट करेंगे, गाइज मेहनत करते रहो, और जब आपका एग्जाम निकलेगा तो आपको खुद रियलाइज होगा कितनी इज्जत मिल रही है। भाई मैं घर से बाहर जाता हूँ मुझे इतनी इज्जत मिलती है ना आप मैं बता नहीं सकता। ठीक है तो अब आते हैं इंटरव्यू पे, इंटरव्यू प्रिपरेशन पे अब स्टार्ट करते हैं। एंड गाइज मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ये कह रहा हूँ कि देखिए मैंने प्री अकेले किया सेल्फ स्टडी, मेंस अकेले किया सेल्फ स्टडी, एंड इंटरव्यू का जब टाइम आया तो मेरे को खुद कोचिंग की तरफ से ऑफर आया कि आप हमारे यहाँ आ सकते हैं, मॉक इंटरव्यू दे सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है तो यार मेहनत करो, बस ये कह रहा हूँ कि एंड रिजल्ट में सब इज्जत करेंगे। तो आते हैं, और हाँ मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, और अपने इंस्टाग्राम का भी लिंक डाल दिया डिस्क्रिप्शन में। बहुत लोग बोल रहे थे यार कि लिंक दे दीजिए, तो टेलीग्राम चैनल में मैंने बना लिया, उसका लिंक डाल दिया, इंस्टाग्राम में भी लिंक डाल दिया, तो यू कैन ऐड मी दोनों जगह। तो इंटरव्यू प्रिपरेशन पे आते हैं, तो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस अब आते हैं इंटरव्यू पे। सो आपको पता है क्लर्क का इंटरव्यू क्यों नहीं होता, एंड ऑफिसर का क्यों होता है, पीओ का क्यों होता है, क्योंकि उनको चाहिए पर्सनैलिटी ट्रेड्स हो तुम्हारे अंदर ऑफिसर वाली, इसलिए वो ले रहे हैं, वो तुम्हारी नॉलेज नहीं चेक कर रहे इंटरव्यू में। मैं इंटरव्यू देने गया था, लाइक जनरली मैंने सीधा मुंह पे बोल दिया था कि सर ऐसा है कि मैंने 4 बजे प्रेपरेशन की है, मुझे बैंकिंग मैंने ज़्यादा नहीं आती है, एंड उसके बाद उन्होंने मुझसे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा उसका, एंड आई गॉट 85 out of 100। मेरे को 85 out of 100 जो कि बहुत अच्छा स्कोर है मेरे ख्याल से, क्योंकि मेरा पहला इंटरव्यू था। तो कुछ टिप्स जो मैं अपनी तरफ से देना चाहता हूँ, तो पहले तो बी रियल, फेक ना करो चीज़ों को, ऑनेस्ट रहो, जो है सीधा मुंह पे बोलो कि सर नहीं आता, ठीक है आई कांट रिकॉल दिस, मुझे नहीं आ रहा, ये मत करो कि एग्जैजरेट कर रहे हो, कुछ नहीं समझ आ रहा, कुछ भी बता रहे हो, जो है रियल रहो, नहीं आ रहा, ठीक है। करंटली अवेयर हो, न्यूज़पेपर पढ़ते रहो यार, न्यूज़पेपर पढ़ते रहो, क्योंकि एक ऑफिसर के अंदर ये ट्रेड होना चाहिए ना कि उसे पता है क्या चल रहा है देश दुनिया में। तो करंटली अवेयर रहो, क्योंकि वो जो करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चन है वो पूछेंगे, और अपना जो ग्रेजुएशन वाला सब्जेक्ट है उसे स्ट्रांग रखो, क्योंकि
मेरे से, इनफैक्ट जब मैंने बता दिया था कि मैंने बैंकिंग अवेयरनेस ज़्यादा नहीं पढ़ा, तो उनने सारे क्वेश्चन मुझसे सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन पे पूछे थे और करंट अफेयर्स पे पूछे थे, क्योंकि ग्रेजुएशन मैंने कंप्यूटर साइंस से किया था, बीसीए कराया मैंने, तो उनने बीसीए में कंप्यूटर एप्लीकेशन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे, तो वो तो मैंने बता दिए थे। और कंप्यूटर एप्लीकेशन करंट अफेयर्स को मिला के पूछ रहे थे, जैसे उस समय ट्विटर में पराग अग्रवाल फायर हुआ था, तो उनने मुझसे पूछा अभी ट्विटर का सीईओ फायर हुआ है कौन है और कौन आया है वगैरह वगैरह। तो यही सब है, एंड हैव अ स्माइल ऑन योर फेस, बी कॉन्फिडेंट, और ऐसे मतलब थोड़ा भी तभी नर्वस ना लगो यार, ऐसे रहो कि तुम बात कर रहे हो, ये नहीं कि तुम यू इंटरव्यू देना है यू बैठे हो चुपे चाप, ऐसे रखो कि बात कर रहे हो, एकदम फ्रैंक भी मत हो यार, वो तुमसे बहुत सीनियर है, रिस्पेक्ट से बात करो, पर ऐसे मत दिखाओ कि आप अंडर कॉन्फिडेंट हो, एकदम ऐसे दिखा दो कि हाँ यू हैव दैट पर्सनैलिटी, यू हैव दो ट्रेट्स, ठीक है, और बी रियल, झूठ नहीं बोलना, झूठ बोलने से कुछ नहीं होने वाला। इनफैक्ट जब मैं अपना स्टार्ट बताता हूँ, मेरा इंटरव्यू बहुत लंबा चला था, मेरे पहले जो बंदा गया था उसका 6-7 मिनट चला था, मेरा 12-15 मिनट चला था, मेरे को याद है मेरा 12 मिनट तो चला ही था, कि जब मैं बाहर आया तो मैंने पूछा था, मेरे को बोला 12 मिनट चला है, एक लड़के ने पूछा था, तो फिर मैं ये कह रहा हूँ कि जब मैं आया था, जब मैं बैठा, मैं सीधा बैठा, तो द फर्स्ट क्वेश्चन थे आज, तो यश जी बैठिए है, कैसे हैं? सर मैं बढ़िया हूँ। तो उन्होंने बोला कि क्या पढ़ के आए हैं आप? एंड आई स्माइल्ड अ लिटल कि सर मैं स्पेसिफिकली कुछ पढ़ के तो नहीं आया हूँ, अब जो आता है जो बेसिक है वो आता है, एंड करंटली अवेयर हूँ कि क्या चल रहा है। तो वो भी हंसने लगे, कह रहे अरे वाह, तो फिर अपने बारे बताइए, देन मैं बताया, देन स्टार्ट कर दिया उनने, तो अच्छे से बात करो, कॉन्फिडेंट रहो, आई गॉट 85 out of 100, आपको ही मिलेंगे, इंटरव्यू है, कोई नॉलेज आपकी नहीं टेस्ट हो रही कि आप कितना बता पा रहे हो कितना नहीं बता पा रहे हो, इट्स नॉट अबाउट नॉलेज, इट्स अबाउट योर पर्सनैलिटी, इट्स अबाउट आप कैसे हो, क्या आपके अंदर ट्रेट्स हैं कि नहीं, आप कॉन्फिडेंट हो कि नहीं, तो बस इंटरव्यू ईजी है, अच्छे से दीजिएगा, IBBS PO मेंस का भी है, तो ऑल दी बेस्ट सबको जिनका इंटरव्यू है, बाकी अगर और मुझसे जुड़े रहना है, कांटेक्ट में रहना है, तो सब्सक्राइब दी चैनल, मैं और वीडियोस बनाता रहूँगा, तो गाइज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगली वीडियो किस पे बनाऊँ, तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय। एंड गाइज आई वॉन्ट टू थैंक महिंद्रास की उन्होंने मेरी इंटरव्यू में बहुत हेल्प की, वो जो सर थे उन्होंने मुझे बहुत कुछ समझाया कि तुम बहुत चीज़ों को एग्जैजरेट कर रहे हो, तुम छोटे से आंसर को बड़ा बता के कर रहे हो, एंड मेरी हेल्प हुई काफ़ी, तो आई वुड लाइक टू थैंक महिंद्रास टू फॉर हेल्पिंग मी इन द इंटरव्यू, एंड बाय।